उर्मुल सेतु लुनकरनसर में, जहाँ से उर्मुल की शुरुआत हुई थी संजय घोष द्वारा। और अभी हम लोग जा रहे हैं मैस के साइड, एंड ये है कॉटेजेस जहाँ पे हम लोग को रूम्स अलॉट हुए। और धूप हो रही है बहुत ज़बरदस्त, मैं फेस कवर करके जा रहा हूँ आगे की तरफ मैस के साइड चलते हुए। मैं काफ़ी समय से आना चाहता था उर्मुल के लुनकरनसर सेतु में, कि यहाँ से शुरुआत हुई थी। अभी हम राजस्थान के जितने भी क्षेत्रों में देखते हैं कि जहाँ उर्मुल काम करता है, यहीं से ही शुरुआत होके हेल्थ में, एजुकेशन में, हर स्तर पर हर लोगों के साथ, ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण विकास के लिए काम हुआ। और आप ये एक चीज़ देखेंगे कि सब कैंपस, सब उर्मुल का जो एक वाइब है, एक वातावरण है, वो सब एक जैसा है। शाम को और अंदर अंदर जाएंगे हम लोग, उधर गार्डन है, कुछ ना कुछ उन लोगों ने उगा रखा है, तो वो सब देखा जाएगा। सुंदर सुंदर चित्रकारियाँ इन दीवारों पे। और ये हम लोग का मैस, मैस के अंदर चलते हैं और देखते हैं। वाह, बहुत ही सुंदर आकार का मैस हमको यहाँ दिखता हुआ, एंड विल सिट हियर एकदम। खाना तरह बैठ के हम लोग भोजन ग्रहण करेंगे अपना उर्मुल सेतु में। कैसा सेंगे खाना? मस्त है, चलेगा। तो खाना खाने के बाद उर्मुल का नियम है कि बर्तन खुद धोने होते हैं, और ये बर्तन धोने का स्थान बनाया हुआ है यहाँ पे। ये मैस का पीछे वाला हिस्सा जाए बर्तन को। तो अभी खाना खा के तो आगे हम लोग मैस में, मैस उस तरफ था। ये हम लोग का यहाँ पे कॉटेजेस है, कॉटेज में हम चलते हैं। हम लोग को कौन सा रूम मिला हम दिखाते हैं। ऐसा क्यों लग रहा सास की कभी बहू वाले सास की? तो यहाँ अलग अलग तरह के, जिसमें ये है डॉगी ब्रिज, ठीक है, इसमें बेड लगे हुए, पंखे हैं गद्दे से, और ऊपर ऐसे लाइटिंग के लिए किया हुआ है। एंड दूसरा है अजय, एंड दूसरा ये है जिसमें कूलर है, एंड टीवी है, और ऐसे बेड लगे हुए हैं चार पांच बेड। सोशल सेक्टर में ऐसा लग्जरी पाना भी बहुत मुश्किल है, बट सही है कंफर्ट के लिए। ये सब चीज़ें तो बहुत आम है, बहुत आम है। और ये वाला रूम है जो हम लोग को दिया हुआ है, जिसमें कि छोटा रूम है, वॉशरूम अटैच है, इधर गेट बाहर की तरफ खुलता है, फ्रिज है, टीवी, एसी, और वो सारी चीज़ें हैं ऐसी गर्मी में जो बचा सकते। एसी ऑन कर दो, एसी ऑन कर दो, तो राइट है, एसी ऑन कर दिया। तो बाहर की लाइटिंग काफ़ी ही अच्छी है, नहीं थैंक यू, बहुत अच्छी है। ये सारे एक्सपीरियंसेस भी आपको मिलते हैं। ये भाई, ये वैसे एक्सपीरियंस इसको देख लेते तो आप भाई वैसे। बहुत ही सुंदर सनसेट हो रहा है, और हम लोग आई गेस यहाँ पे जो एक्टिविटी होती है उनमें से एक है मसाले और स्पाइसेस तैयार करते हैं यहाँ पे, तो अभी उसी को देखने के लिए जा रहे हैं। और उसका हम लोग एक्चुअली पैकेजिंग का R&D करेंगे कि किस तरह उसको एक पैकेट में और मार्केट में उतारना है। सो एक वो भी हम लोग का पर्पस है
इस कैंपस में विजिट करने का। सो अभी भवर लाल जी हैं जो यहाँ के ऑपरेशन हेड है आई गेस, तो वो हमको विजिट करा रहे हैं। ये पूरा यूनिट मसाले रॉ मटेरियल से लेके पाउडर तक बनाने का। शुरुआत की हॉस्पिटल वाला वो सिस्टम था, ये सीधा एम्बुलेंस संजय जी की जीप जब वो यहाँ हुआ करते थे तो उस पे जाया करते थे, वो यूज़ किया करते थे। मैंने ये सारी उर्मुल के शुरुआती दिनों की गाड़ियाँ, ये एम्बुलेंस, ये बसेस, वो गाड़ियाँ एकदम शुरुआती दिनों के। सोलर से क्यूब टेपोर हर घूम रहा खुले में यहाँ कैंपस में। बहुत ही इको फ्रेंडली जगह होती है यहाँ पे, कोई भी जानवर नहा के घूमे मस्ती करे, उनमें से एक खरगोश हमारा छोटा दोस्त। यहाँ का जो उर्मुल के कुछ फेमस चीज़ों में से एक है, जो उर्मुल के कुर्ता और कपड़े और बुनाई के जो उनमें से एक का काम यहाँ पे हुआ होता है एक्चुअली। जो ये डाइंग यूनिट है यहाँ के, ये सारी मशीनें। आज सुबह सुबह 6 बजे बीकानेर से निकल के शुभ्रा जी पधारी हैं उर्मुल सेतु। पहुंची तो कितने पता नहीं, बहुत सुबह हम लोग उठे भी नहीं थे तब। अब हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने। संकेत त्रिपाठी जी आगे जा रहे हैं, आकांक्षा सिसोदिया जी ये तो डिनर पे जाने वाली थी। कल आकांक्षा और हम लोग बात ही कर रहे थे कि अगर नाश्ते में हमको पराठे मिल जाते, और वही हुआ, नाश्ते में हमको पराठे मिल गए। जस्ट अभी अभी पता चला है कि शुभ्रा प्योर पंजाबी। नो मिलावट। इतना चीनी ले लिए, पूरा 10 साल की चीनी ले लिए एक बार में। तो साथ साथ मुझे ये भी पता लगा कि शुभ्रा पंजाबी के साथ साथ पंजाबी ब्राह्मण। कितने साल पुरानी बाइक है यहाँ पे, सी बहुत पुरानी, जो इंडिया में मिलती थी पहले राजदूत, वो भी है यहाँ। डेयरी जो है ये 84 में यहाँ के जो कोऑपरेटिव के लोग थे, कोऑपरेटिव विलेज स्तर के जो कोऑपरेटिव थे, वहाँ के लोगों का एक्सपोजर करवाया था गुजरात अमूल में 84 में। तो यहाँ से जब लोग गए तो वो अमूल के कार्यक्रम भी देखे, और अमूल में उस दौरान पशुओं की हेल्थ की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया थी। यदि किसी की भैंस और गाय बीमार होती है तो वायरलेस था, फोन करने से वेटरनरी डॉक्टर वहाँ जाता था और उसका इलाज करता था। यहाँ के लोग जब गए, वहाँ की व्यवस्थाएं देखी अमूल की, और साथ साथ में उन्होंने एक त्रिभुवन दास फाउंडेशन था उसको भी विजिट किया। त्रिभुवन दास जी अमूल के 25 वर्ष तक निर्विरोध चेयरमैन रहे थे अमूल के, और 25 वर्ष बाद जब उन्होंने अमूल छोड़ा
तो 2 लाख लोगों 3 लाख लोगों ने 2-2 रुपए उनको करके 6 लाख रुपए भेंट किया त्रिभुवन दास जी को। त्रिभुवन दास जी की शादी नहीं की हुई थी तो उन्होंने अपने जीवन काल में त्रिभुवन दास फाउंडेशन बना दिया। त्रिभुवन दास फाउंडेशन में क्योंकि दूध बिकने लग गया था तो घर में बच्चों के लिए खत कम हो गई थी तो बच्चे कुपोषित हो रहे थे, तो त्रिभुवन दास जी के फाउंडेशन में कुपोषित बच्चों के लिए कार्यक्रम चलते थे न्यूट्रिशन के। तो यहाँ के लोगों ने जब ये संस्था देखी कि किस तरह से बच्चों के लिए ये काम कर रही है संस्था, तो वो सारे लोग जो विजिट करने के लिए गए थे वो जब वापस आए तो उर्मूल डेयरी से डिमांड करी कि यहाँ कोई ऐसी संस्था हो जो हमारे मानव हेल्थ को लेकर काम कर सके। यहाँ पे क्या व्यवस्था थी, गाय बीमार होती है यहाँ की तो वहां से जो दूध लेने वाला साधन आता था जो भी ट्रक है उस दौरान, उसमें उस सोसाइटी का व्यक्ति एक पर्ची काटता कि अमुक व्यक्ति के सुग्रा की गाय बीमार है तो 70-80 रुपये चार्ज होता था और यहाँ से वो पर्ची आती थी यहाँ पर जोन कंसर में और यहाँ से फिर वो डॉक्टर जाता था गाय का इलाज करने के लिए। लेकिन गाय का दूध निकालने वाली यदि महिला बीमार होती है उसका कोई इलाज नहीं था। तो लोगों ने ये डिमांड करी, उस दौरान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पूर था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक लून कैंसर में ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था और कहीं पर भी आप विलेज में कहीं पर भी आपको कोई हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं थी। लोग बीमार होते हैं तो या तो झाड़ फूंक वाले या देसी इलाज या जो भी उनके बस में था वो करते थे या फिर सीरियस होते थे तो बीकानेर रेफर कर, तो तब भी जाने के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम। शुरुआत में तो एक मकान किराए लिया था, 2 कमरे थे, उसी में से टीम जाती थी सब कुछ, और महीनों महीनों गांव में ही, यहाँ तक का हमारा जो कार्यकर्ता था उसके पास कोई रहने के लिए ही किसी के घर में रहते थे और खाना बनाने के लिए चूल्हा होता था तो घरवाले खाना बनाने के लिए वो बनाने के बाद में वो चूल्हा फ्री होता था तब हमारे कार्यकर्ता जाके उस पर खाना बना के खाना खाते थे। ये सारी व्यवस्थाएं उस दौरान थी और ये सब चला। जी उनको यहाँ लेकर आए 5 लोगों को, इसमें रेमुद जी है, रामचंद्र जी है, सुजन राम जी है, बेरा राम जी और चेतन राम जी, इनको 5 पांडु कहते थे। तो उनको लेकर आए और यहाँ पे फिर पूरा ये बुनाई का काम शुरू किया। पहले पहले अकाल में अकाल के समय में कताई का काम शुरू किया तो उनके ढेर लग गए लेकिन उनका कुछ कर नहीं पाते थे। फिर NID से ये डिजाइनर लेकर आए और ये सारा काम किया और ये बुनाई का और काम होने के बाद वो ट्रेंड हो गए तब उनको वापस भेज दिया वहाँ और उन 5ों की ही फिर वो संस्था शुरू करवाई। तो ये धीरे धीरे चल रहा था जिसमें जब संस्था शुरू हुई थी तब लगभग संस्था के पास 5 लोग थे और चलते चलते 94 में आते आते 350 लोग काम करने लग गए। तो 94 में हमारी क्योंकि उर्मूल की हर साल एक वार्षिक बैठक होती थी तो नीतिगत जितने भी परिवर्तन होते हैं वो वार्षिक बैठक में लिए जाते थे निर्णय जो भी लेने, तो वो सारे जब निर्णय ले रहे थे तो संजय जी का ये मानना था कि संस्था बहुत बड़ी होगी और बड़ी होने से कुछ खतरे अपने आप ही जुड़ जाते हैं। एक तो डिसीजन बहुत लेट हो जाते हैं, फिर उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होते हैं, इतने सारे लोग होते हैं। तो उनका ये सुझाव था कि भाई क्या इसको छोटी की जा सकती है, डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सकता है, विकेंद्रीकृत कर सकते हैं, तो उसमें यह तय हुआ कि हाँ विकेंद्रीकृत करना चाहिए। तो विकेंद्रीकृत करना चाहिए तो हाथ खड़े करो कि कौन व्यक्ति है, कहाँ जाकर काम करेंगे जो यहाँ सक्षम हुआ है। तो फिर सबने अरविंद जी ने कहा कि मैं बज्जू में काम करूँगा, वहाँ पहले से ही काम तो चल रहा था उर्मूल ट्रस्ट के माध्यम से। फिर धनजी जो उर्मूल खेजड़ी में है तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ बंधुआ मजदूरों की लेकर काम करूँगा। चेतन राम जी जो नोखा में उर्मूल ज्योति नाम से संस्था है वो गए थे कि हम एजुकेशन का काम शुरू करेंगे वहाँ पे नोखा में भी। और ये जो जगह थी इसको फिर क्योंकि ट्रस्ट तो ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड था और उसका बोर्ड था वो पूरा सरकारी था, संजय जी को ये पता था कि भाई मैं हूँ तब तक तो सब अच्छे से कर लेते हैं, वो तो हैंडल कर लेते थे सबको, लेकिन सरकारी बोर्ड है वो एडवोकेसी का काम करना या सरकार के विरोध में आपको कुछ भी काम करना है तो कैसे करोगे आप।
तो फिर संजय जी ने कहा कि ये सारे जो संस्थाएं बनेगी वो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर करेंगे, और ये जो मेन जगह थी, आज भी पूरे फील्ड में आप जाओगे, आप यदि वहाँ बस स्टैंड पे भी किसी से पूछो कि हमें जाना है, तो वो सेतु को नहीं जानेंगे, वो उन्होंने ट्रस्ट को, ट्रस्ट के नाम से ही जाना जाता है सर पूरा क्षेत्र ही, क्योंकि ये पूरा लोगों का जो अब कोई बहुत नई जनरेशन आएगी वो ही जानेगी, बाकी पुराने सारे वो है। तो इस जगह को फिर 94 में ही, जून 94 में कुरमूल सेतु संस्थान के नाम से रजिस्टर्ड करा है सोसाइटी एक्ट। और उर्मूल की फुल फॉर्म आप सबको पता है, और सेतु का मतलब ब्रिज, जो गेप जो भी है कम्युनिटी के अंदर जिस तरह की फैसिलिटी, तो उस तरीके से। और ये संस्था रजिस्टर करवाई, और वैसे ही उर्मूल सीमांत को रजिस्टर करवाया, फिर ज्योति को करवाया इसके साथ, तो इस तरह से ये सारी संस्थाएं बनी और वो हो गए अलग। उसके बाद में संजय जी ने निर्णय लिया कि भाई अब मैं इस संस्थान में काम नहीं करूँ, तो उन्होंने 94 आखिरी में उर्मूल को छोड़ दिया संजय जी ने, क्योंकि सब हो गया। हाँ, सब कुछ वो जो उनका सपना था वो उन्होंने सब कुछ किया, पूरा विजन था वो लेकर आए थे, वो विजन यहाँ पूरा उनका ये था कि स्थानीय लोग संस्थाएं चलाएं, और संस्था के मूल्य और वैल्यू स्थापित करना, वर्क कल्चर स्थापित करना संजय जी का काम था, और संजय जी ने वो बहुत अच्छे से किया। संजय जी इस पूरे परिसर में आप देखोगे 4 बजे उठते थे और सब जगह राउंड ले लेते थे वो, और टाइम यदि 8 बजे फील्ड में जाना है तो यहाँ पास में जो अभी आप वो तस्वीर खींच रहे थे ना, वो पोल था वहाँ, एक बड़ा सा चौकिया था, यहाँ एक जीप अभी भी जीप खड़ी है 13-22 है यहाँ पे, वो जीप लगती थी लाल कलर की संजय जी की जीप थी, और यहाँ संस्था की जीप थी वो भी थी, अब वो संजय जी की आपकी जीप है वो तो ले गए, ये छोटी जीप थी जो बज्जू में थी लाल कलर वाली, और संजय जी ये जो 13-22 यहाँ पे जो जीप है उसमें जाना होता तो वो आ गए, और आप यदि क्वार्टर से निकल रहे हो और 8 बज चुके हैं तो आप उस दिन नहीं जा सकते, 8 बजे आपको जीप पे होना चाहिए, तो जीप पे ही होना चाहिए, आप दिख रहे हो तब भी वो वेट नहीं करते, आप आज आराम करिए अगले दिन चलिए फिर। एक तो ये उनका बोध था, दूसरा उनका ये था कि आप असहमत हो सकते हो, भाई मेरी बात से आपकी सहमति नहीं है तो आप विरोध दर्ज करवा सकते हो, सहभागिता जब आप लेते हो और आप सहभागी तरीके से निर्णय लिए, हम 5-6 लोग यहाँ बैठे हैं और एक कोई भी तय करते हैं कि हम ये, और हम सब ने सहमति जताई है कि हम करेंगे, उसके बाद यदि आप नहीं करते हो तो वो नॉन नेगोशिएबल है, उस पर फिर कोई हेयरिंग नहीं है, सुनवाई नहीं है, क्योंकि वो तो आपने तय किया है, आपने सहमति दी है, उसके बाद आप नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप जिम्मेदार हो ही नहीं, जिम्मेदारी आपने ली नहीं, वो तो वो उसके बाद उसका कोई जिम्मेदारी नहीं बनता। Thank you.
यहाँ से एक एक धागे को ला के यहाँ एडजस्ट करके एंड देन ये ऐसे घुमाकर, हाँ ये देखो इस तरह घुमा कर, और ये रोल होता है वो देखो नीचे। और ऐसे बड़ा रोल बनता है। यहाँ का शोरूम जा रहे हैं जहाँ पे उर्मुल का क्राफ्ट प्रोडक्ट सारा आपको दिखेगा और वन ऑफ द बेस्ट कहते हैं। हाँ ऐसे शोरूम हर जगह है, उर्मुल सीमांत में है, हर जगह आईजीपी प्रोग्राम चलता है, इनकम जनरेशन प्रोग्राम, जिससे फलोदी में भी स्टोर है और पोखरण में भी है उर्मुल डेजर्ट क्राफ्ट्स, और यहाँ पे भी है। तो यहाँ का देखते हैं, हर जगह सिमिलर प्रोडक्ट मिलेगा पर हर एक शोरूम का और हर एक आउटलेट का कुछ कुछ यूनिकनेस है, तो वही एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स सी। सो ये है हमारा उर्मुल सेतु का आउटलेट क्राफ्ट प्रोडक्ट्स का, ये देखिए। कोटी कोट्स सर्दियों के लिए, कुर्ते अलग अलग, लॉन्ग कुर्ताज एंड कलर्स देखिए, आंखों को लुभाने वाले एकदम। ये सब कलर्स देखिए हाफ कुर्ते के, कितने सुंदर है। सब हाफ कुर्ता फॉर मैन एंड ये फुल कुर्ता है जो, ये भी मेंस का ही है। तेरे हल्दी में ये पहन सकते हैं? हाँ पहन लियो, होगा नहीं होगा पता नहीं, पहन लियो, लेकिन तेरे लिए कर लूँगा हल्दी, ठीक है? ये कुर्ता ले ले तू। घुटन आगे नहीं बे हो जाए जो बाल जो तो नहीं बड़े भी नहीं किया, अब वो ठंगेड़ो कोई को बात कर रही बहुत धीरे धीरे, ये बारिश आएंगे तो पूरी टीम आज आई हुई है बैठ के लंच करने के लिए। यहाँ पे हमारे उर्मुल ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं सब। सो ये है उर्मुल ट्रस्ट, जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण सी बिल्डिंग। डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट्स हैं, सालों सालों के प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स जिस तरह देख पा रहे हैं। चाइल्ड लाइन का ऑफिस एंड देयर इज अकाउंट ऑफिस, जितना भी बजट मनी ट्रांसफर एंड ऑल। मीटिंग हॉल, तो उर्मुल संस्थान की जहाँ से शुरुआत हुई थी लूनकरन सर, उर्मुल सेतु, वो उसको विजिट करके, अपने हेड ऑफिस को विजिट करके उर्मुल ट्रस्ट के, अब हम वापस पोखरण की तरफ जा रहे हैं सरकारी बस में बैठ के। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।